हाँ, बहुत बहुत खुशी हुई है कि इतनी 10-12 दिन से जो एक ट्रॉमा में गए हम, इतना संघर्ष किया हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट से लेकर सब जगह, और फाइनल फिल्म रिलीज हो रही, बहुत खुशी हो रही है। और आज एक्साइटमेंट है, नर्वसनेस भी है, क्योंकि पूरा हमारा कास्ट एंड क्रू दिख रहा पिक्चर, तो बहुत अच्छा लग रहा है। और कीर्ति जी बताइए। बस मैं यही कहना चाहूँगी कि बहुत ज़्यादा खुशी है, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है फिल्म को लेकर, और बस अब इंतज़ार है दर्शकों के फिल्म के देखने का और उनके उनके फाइनल वर्डिक्ट का, उनके प्यार का। इसका जवाब दे। बहुत खुश हूँ क्योंकि मुझे ज़्यादा रिवाइजिंग कमेटी ने जो पिक्चर देखी उनको बहुत अच्छी लगी पिक्चर, उसके बाद जो एसेंस है पिक्चर का बिल्कुल नहीं कटा, दो छोटे छोटे कट दिए उन्होंने, दो जगह बीप था, बीप मारने हमको कहा वो कर लिया, और डिस्क्लेमर था बस, तो और बाकी जो 16-17 कट्स थे बहुत एज इट इज रहे, वो बात की खुशी है। कल की तैयारी कुछ नहीं सर, सवेरे हमारा 2-4 इंटरव्यू है वो करेंगे हम, और फीडबैक लेंगे सबका, कैसे लग रहा है, पूरे हिंदुस्तान में सोशल मीडिया में इतना पूरा प्रोत्साहन मिल रहा है, इतना सपोर्ट मिल रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, लोगों ने टिकटें बुक की है ऑल इंडिया, तो इस बात की खुशी है। और मैं यही चाहूँगा कि लोग सराय पसंद करें और वो पिक्चर अच्छी लगे उनको। बहुत एक्साइटमेंट है, बहुत थोड़ी नर्वसनेस भी है फिल्म को लेकर, लेकिन आई थिंक, हाँ मैंने कहा बहुत खुशी ऑफकोर्स है, बहुत एक्साइटमेंट है, थोड़ी सी नर्वसनेस भी है कि क्या होगा कल, कैसे रिएक्शंस आएंगे, बट आई थिंक हम इतनी दूर तक पहुँचे हैं इस बात की मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है, एंड थैंक्स टू मधुर, इनके बिना ये फिल्म रिलीज होना मुझे तो मुश्किल लग रहा था। आई थिंक सब ने बहुत ही अच्छा काम किया है मैंने सुना है, एंड कीर्ति, नील, एवरीबडी इज फैंटास्टिक, सो आई विल गो एंड वॉच इट नाउ। वो तो हमेशा उनकी पिक्चरें होती है, वो ऐसी थोड़ी चर्चे में रहती है, सो आई थिंक नथिंग न्यू, बट आई एम श्योर इट्स गोना बी अ ग्रेट फिल्म। थैंक यू, थैंक यू। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आज इस फिल्म को जिस तरीके से अब बिना किसी कट्स के रिलीज़ करने की जो एक परमिशन मिली है, और जो
लड़ाई मधुर और पूरी टीम ने लड़ी है, उसकी जो जीत है उसकी खुशी बहुत ज़्यादा है। ये एक डेमोक्रेसी की जीत है और इनटॉलरेंस की जो एक बात इस देश में बहुत टाइम से चल रही है उसकी बहुत बुरी हार है। तो मुझे लगता है कि सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है, और मधुर बहुत बेहतरीन फिल्म मेकर हैं, नेशनल अवार्ड विनर हैं, बहुत हार्ड हिटिंग फिल्में बनाते हैं, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो मैं एक्साइटेड हूँ उनकी फिल्म देखने के लिए और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि बहुत बेहतरीन फिल्म देखूँगा। सर, क्या वजह रहती है कि जब इस तरह की मूवी बनती है और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ आर्टिस्ट की जब हम बात करते हैं तब उसे दबाया जाता है, और इस चीज़ से उभरने के लिए बॉलीवुड इंडस्ट्री आगे चल कर क्या करती है? हम तो वैसे भी सॉफ्ट टारगेट होते हैं, क्योंकि कोई अगर बोलेगा कि इस पत्थर थिएटर पर पत्थर पड़ जाएंगे तो ये थिएटर हमारी फिल्म नहीं चलाएगा, तो हम सॉफ्ट टारगेट हैं। और ये मैच्योरिटी पॉलिटिकल पार्टीज़ को अपने अंदर डेवलप करनी पड़ेगी कि अगर उनको किसी भी फिल्म के कंटेंट से कोई ऑब्जेक्शन है, कोई विरोध है, तो वो डेमोक्रेटिक तरीके से लड़ें, केस करें। फिल्म देखने से पहले ही वो शुरू हो जाते हैं, ये मुझे लगता है कि बहुत गलत है और ये रुकना चाहिए, और इसकी मैच्योरिटी पॉलिटिकल पार्टीज़ को खुद दिखानी चाहिए। थैंक यू भाई, थोड़ा काफ़ी जद्दोजहद के बाद मूवी को रिलीज़ कर किए जा रही हैं, मधुर भंडारकर की जो जंग है वो सक्सेस हो रही है, क्या कहेंगे, कितना एक्साइटेड है आपकी मूवी? नहीं, बहुत अच्छी बात है कि जो उनके फेवर में रिजल्ट आया है। आई थिंक यू नो नो फिल्म शुड बी स्टॉप्ड फ्रॉम रिलीज़, तो मैं बहुत खुश हूँ कि फाइनली जाकर मधुर की फिल्म आज रिलीज़ हो रही है। आई एम वेरी एक्साइटेड, लुकिंग फॉरवर्ड। यू नो व्हेन अ फिल्म मेकर ट्राइज टू मेक फिल्म्स अबाउट पॉलिटिक्स और ऑफ नेशनल इंटरेस्ट, मतलब चाहे वॉर हो और इस केस में अब इमरजेंसी है, सो आई थिंक अ फिल्म मेकर शुड हैव द राइट टू एक्सप्रेस वॉट ही वॉन्ट्स टू कमेंट अबाउट दैट सिचुएशन। सो आई एम वेरी हैप्पी एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मधुर्स फिल्म टुनाइट। सर, जो बातें दबी थी कि बॉलीवुड इंडस्ट्री को सॉफ्ट टारगेट किया जाता है हमेशा, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात करते हैं, फ्रीडम ऑफ आर्टिस्ट की बात करते हैं, हम फ्रीडम एक डेमोक्रेटिक कंट्री है यहाँ पर फ्रीडम, तो हमें क्यों, मतलब बॉलीवुड इंडस्ट्री को हमेशा क्यों टारगेट किया जाता है कि उन्हें इस तरह की मूवी को बनाने के लिए क्यों दबाया? नहीं, सी व्हाट हैपेंस इज, जब आप किसी बुक में लिखते हैं इफ़ यू एक्सप्रेस एनी पॉलिटिकल सिनेरियो और सोशल सिनेरियो इन अ बुक फॉर्म, it still is in a print medium, but the moment it gets into a visual medium, so it has a much more impact, and it can create more impressions on people. So ek misnomer hai sabke dimag mein ki yaar film mein agar baat aa rahi hai to ye shayad kuch tehlka kuch bura tehlka machayegi, but mujhe nahi lagta aisa hai, because film is after all a film, aap kuch bhi kar le, film should entertain and should give a message, should leave some impression on the minds of the people. Bollywood industry ko ek saath aakar kya step lena chahiye iske liye? Kuch nahi, aur filmein banayi hai, main kehta hu abhi ye ek political film, political situation pe film bani hai, war films ban rahi hain, to I think these are all the different genres which have not been explored, so jitne film makers aage aayenge aur all filmein banayenge, that is good. I feel it's most welcome. Thank you so much. Thank you. Thank you, sir.